Good morning. हमने पिछली बार कहा था कि हम आज क्या पढ़ेंगे, मैं उसका छोटा सा संक्षिप्त मैं बताता हूँ। जैसे ब्रदर ने कहा था, जब हम लोग ऊटी गए थे, जब हम ऊटी गए थे उस समय हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। टॉपिक ये था कि परमेश्वर का कवनेंट्स, या परमेश्वर ने जो प्रण हमें दिया है। कवनेंट्स का हिंदी वर्ड वाचा एक वर्ड है, कभी कभी नियम उसको ट्रांसलेट करते हैं, कभी कभी प्रॉमिस उसे ट्रांसलेट करते हैं। कवनेंट्स का हमने आइडिया हमने वहाँ पढ़ा था। इससे पहले भी हमने इस चीज़ को चर्च में पढ़ा है, कवनेंट्स को हमने डिटेल में उसे पढ़ा था। इस बार हमने उसे थोड़ा और ईजी करने की कोशिश की थी, और वो हमने ऊटी में हमने किया था। ये रीज़न इस पूरे स्टडी का ये था कि मेरा मानना है, और मेरा मानना है कि 2000 साल से चर्चेस का भी ये मानना था, कि बाइबल को सही तरीके से पढ़ने का और समझने का सही रूप कवनेंट्स के द्वारा है, परमेश्वर का प्रॉमिस के द्वारा है। ये शुरू करने से पहले आइए पहले प्रार्थना करते हैं। पिता, तेरे वचन के लिए जो जीवन देता है, तेरा वचन ही हमें बचा कर रखता है। इस दुनिया में परमेश्वर, जहाँ पे भी हम अपना मुख को घुमाएंगे, हमें सिर्फ पाप दिखता है, और मनुष्य का अपने आप की तरह जानवर, भेड़, बकरियों को मूर्ति करके उसे पूजने का जो आनंद उसे मिलता है, उसके पाप के अंदर से आता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर, तूने हमें बचा कर रखा है, तूने हमें अलग किया है। ये हमारे लिए नहीं है परमेश्वर, ये तेरे लिए है। इसलिए परमेश्वर, हम फिर से मांगते हैं इस सुबह जब हम एक साथ आए हैं, तेरे लिए, तेरे नाम के लिए हमें मदद कर परमेश्वर। हमारे आंखों को, हमारे मनों को तेरे वचन के लिए तैयार कर दो। जो चीज़ समझ में ना आए परमेश्वर, मांगते हैं तेरी आत्मा हमें समझाए और हमें तेरे पास ले जाए, ताकि हम सच्चे मन से तेरी आराधना करें। तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, इसलिए तो सुन, आमेन। पिछले कई हफ्तों से जो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं, द बाइबल स्टडी दैट वी आर डूइंग फॉर द लास्ट मेनी वीक्स, हम उसमें बाइबल के बारे में पढ़ रहे थे, द डॉक्ट्रिन ऑफ द बाइबल। और उसमें हमने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा कि अगर कोई चीज़ बिब्लिकल है, अगर कोई अर्थ बिब्लिकल है, तो पूरे बाइबल के साथ तो मेल खाना चाहिए। मीनिंग एनीथिंग विच यू फाइंड टू बी इन द बाइबल, इट शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट विथ एनीथिंग एल्स इन द बाइबल। अगर बाइबल में कोई चीज़ आपको मिलता है जो बाइबल के दूसरे कोई टीचिंग के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो 100% ये समझिए कि आपकी समझ गलत है, बाइबल नहीं। आपको एक सेकंड भी ये सोच के नहीं चलना है कि ऐसा हो सकता है कि बाइबल में दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इट कैन नॉट हैपन। बाइबल कैन नॉट टीच टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स, बिकॉज गॉड इज़ अ गॉड नॉट ऑफ कन्फ्यूजन। वो कभी भी आपको कन्फ्यूजिंग थिंग्स बताएगा ही नहीं। अगर बाइबल में कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, तो ज़रूरी है हमें वापस उसे पढ़ना और वापस समझना। जब हम लोग इस बाइबल स्टडी कर रहे थे, हमने बहुत सारे इश्यूज निकाले जो लोग अक्सर उसको कॉन्ट्रडिक्टरी बताते हैं, और जब हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, हमें लगता है, हमें समझता है कि उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। हम अपने मन से कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ आते हैं। और जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि बाइबल एक कंप्लीट सिस्टम है। क्रिश्चियनिटी इज अ कंप्लीट सिस्टम। उसका मतलब यह है कि कहीं भी वो सिस्टम में कोई मिस्टेक या कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़े साथ में ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग अक्सर इस तरह के क्लासरूम लेक्चर के लिए हम बने नहीं होते, लेकिन थोड़ा क्लासरूम लेक्चर हमें ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक क्रिश्चियन का पॉलिटिकल व्यू, जिसे हमने लास्ट टाइम बोला, इसका आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ एथिक्स। आप समझ रहे हैं, वो जो पॉलिटिक्स के बारे में मानता है, एथिकल थियरी के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अपने कंट्री में कम्युनिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला और बंगाल। बंगाल तो एक सेकंड के लिए मान सकते हैं कि विश्वास कैसा है पता नहीं, लेकिन केरला इज प्रिडोमिनेंटली सपोज टू बी क्रिश्चियन, हिंदू एंड मुस्लिम। और प्रिडोमिनेंटली केरला के लोग क्या है? कम्युनिस्ट।
ठीक है, कम्युनिज्म का मूल विषय थॉट क्या है? एथिज्म, कि परमेश्वर है ही नहीं, आत्मा नामक कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ दुनिया में क्या है? मटेरियल है। आप समझ रहे हैं, दुनिया में जो भी चीज है मटेरियल है, इमटेरियल चीजें दुनिया में है ही नहीं। मतलब अगर कोई आदमी कंसिस्टेंटली अपने आप को कम्युनिस्ट बोलेगा तो प्रॉब्लम क्या है? वो या तो कम्युनिस्ट है या तो क्रिश्चियन है, दोनों नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कम्युनिस्ट भी हूं और मैं क्रिश्चियन भी हूं, वो अक्सर इसके लिए कि ना उसको कम्युनिज्म समझता है ना उसको क्रिश्चियनिटी समझता है, इसलिए वो दोनों साथ में लेके बैठ सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बाइबल में कोई भी जगह पे अगर आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिले, प्रॉब्लम मेरे और आपके थॉट के थॉट में है, परमेश्वर में या परमेश्वर के वचन में कभी भी नहीं। ये मैं चाहता हूँ हमें जितना चाहे इसे समझें, क्योंकि अगर आप एक कॉन्ट्रडिक्शन को साथ लेके रहेंगे, याद रखिए वो कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ आपके वो पर्टिकुलर आइडिया में नहीं आएगा, आपके हर आइडिया में वो कॉन्ट्रडिक्शन जाएगा। मैं हमारे चर्च में हमने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आइडियाज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का आइडिया, जैसे हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य जानवर की तरह है, डज बाइबल से मनुष्य जानवर की तरह है? हाँ या ना? There is a verse in Ecclesiastes that man is like beast and God has tested him so that man will know that he is a beast. But it is not the same, जैसे साइकोलॉजी में आदमी को एक सेक्सुअल बीस्ट समझ के बोलते हैं। आप समझ रहे हैं, साइकोलॉजी में मनुष्य का पूरा थॉट, पूरा आइडिया माइंड से नहीं, उसके ब्रेन से आता है। आप समझ रहे हो, अगर आप साइकोलॉजी को फॉलो करोगे, आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि मनुष्य का काम, मनुष्य का हरकत उसके ब्रेन से आता है, उसके मन से नहीं। मनुष्य अपने हरकतें क्यों करता है? उसको ये हरकत करने के लिए बोलता कौन है, ब्रेन या माइंड? माइंड, क्योंकि अगर ब्रेन से करता तो प्रॉब्लम क्या था बताए, उसकी गलती नहीं होती। अगर ब्रेन से करता तो आप ऐसे बोल सकते थे, आज सुबह उसने कुछ गलत खा लिया, पेट खराब हो गया, पेट खराब होने के कारण ब्रेन खराब हो गया, ब्रेन खराब होने के कारण वो बकवास कर रहा है। आप समझ रहे हो, नहीं आपको लगता है मैं ये बोल रहा हूं, आप समझिए मेरा, मैं क्या पता नहीं कोशिश कर रहा हूं। डज योर बॉडी चेंज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट? यस और नो? डज डाइजेशन चेंज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट? If your brain is thinking, is your brain part of your body? So will the brain change according to climate? Yes, you can't deny that. इसके लिए अक्सर लोग बोलते हैं ऐसा क्यों किया पता है? He is wired differently. उसने गलत किया क्योंकि उसका वायरिंग, उसके बॉडी का वायरिंग ही गलत है। तो गलती किसका है? उसका नहीं है गलती, जिसने बनाया उसका है। उसका वायरिंग खराब है। Sin is not the problem, disease is the problem. It is not sin, it's a disease. उसको दवा दो वो ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? मतलब मनुष्य कितना भी गलत करे, गलती उसका पाप का नहीं है, गलती उसके शरीर का है, उसका शरीर का प्रॉब्लम है, उसको सही दवा की जरूरत है। Sin is not the issue. Please remember this. Ideas always have consequences. ऐसा कोई आइडिया नहीं है जिसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अगर आपको लगेगा मैं बाइबल के बारे में एक तरीके से सोचूं और वो सोच सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में है, दूसरे टॉपिक के बारे में नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। यू अंडरस्टैंड दैट? हमने ये बहुत बार स्टडी किया, इसके लिए मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं वही एग्जांपल दूंगा जो हमने कैंप में भी दिया था, हमने चर्च में भी किया, लेकिन जिन लोग शायद नहीं थे उनके लिए मैं रिपीट करूंगा। हम उस वर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल, बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 6 में, आप हम नहीं बुढ़ेंगे वहाँ पे, हम वापस पढ़ने वाले हैं जेनेसिस सेकंड सेशन में। आपने पढ़ा होगा कि वो समय में मन पृथ्वी पे बहुत सारे जायंट्स थे, जे वर जायंट्स ऑन दी अर्थ। और उससे पहले वाला अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे कि जायंट्स क्यों आए थे, बिकॉज सन्स ऑफ गॉड केम ऑन टू दी अर्थ। आपको पढ़ना है, वी कैन टर्न टू दैट, जेनेसिस चैप्टर 6।
we'll be any which ways reading that again. Verse 2, we will read from verse 1 and 2. Mila sabko? ओके, बहुत बार आपने ये कहीं पे कहीं ने सुना होगा कि ये लोग जायंट्स आर अर्थ पे आए. जायंट्स अर्थ पे इसके लिए आए क्योंकि सन्स ऑफ गॉड मैरिड होम डॉटर्स ऑफ मैन, नॉट सन्स ऑफ मैन, डॉटर्स ऑफ मैन. सन्स ऑफ गॉड मैरिड डॉटर्स ऑफ मैन. आर्टिकल 377 नहीं आया था तभी, उसकी जरूरत ही नहीं थी. सन्स ऑफ गॉड मैरिड डॉटर्स ऑफ मैन. और अक्सर आपने सुनोगे आप इस बात को कि सन्स ऑफ गॉड आर एंजल्स, बराबर, एंड डॉटर्स ऑफ मैन आर डॉटर्स ऑफ मैन, ह्यूमंस. सो एंजल्स प्रोक्रिएटेड विथ वुमेन एंड फाइनली द रिजल्ट वॉज जायंट्स, राइट. और अपने बहुत लोग इस चीज को लेके बोलते थे कि सन्स ऑफ गॉड लिखा हुआ है. नाउ हमने जब इसको स्टडी किया था इस वर्स को, हमने पढ़ा था कि उस कॉन्टेक्स्ट और उस टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ये दिखाएगा कि ये एंजल्स के बारे में बात कर रहा है, राइट. उस वर्स में आपको कहाँ एंजल्स मिलता है जरा बताएंगे? उसमें कहीं पे भी एंजल्स है ही नहीं. हम सिर्फ कौन से वर्ड को लेके बैठे हैं? सन्स ऑफ गॉड. हु आर कॉल्ड एज द सन्स ऑफ गॉड इन द न्यू टेस्टमेंट? एंजल्स, वी, राइट. आप रोमन्स के बुक के देखें तो बार बार वी आर द सन्स ऑफ गॉड. मतलब फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट टू द न्यू टेस्टमेंट आपको लगता है इतना बड़ा चेंज हो गया अचानक कि ओल्ड टेस्टमेंट में सन्स ऑफ गॉड एंजल्स था, न्यू टेस्टमेंट में सन्स ऑफ गॉड वापस आदमी बन गए, राइट. नंबर वन. नंबर टू, ऑब्वियसली दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब हो नहीं सकता. नंबर टू, इफ यू लुक एट द वर्स वेरी क्लियरली, और आप वर्स को ध्यान से देखोगे ना, वो पूरा वर्स इंसानों के बारे में बात कर रहा है, राइट. यू वॉन्ट टू लुक एट द वर्स अगेन. एंड इट वेन केम टू पास वेन व्हाट हैपेंड, मैन बिगैन टू मल्टीप्लाई ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एंड डॉटर्स वर बॉर्न अन टू देम. मीनिंग एट दैट टाइम एवरी टाइम अ मैन प्रोक्रिएटेड ओनली हु वर बॉर्न, ऐसा मतलब है नहीं ना? मैन एंड वुमेन बोथ वर बॉर्न, बराबर. लेकिन अगर उस वर्स को आप ध्यान से देखेंगे ना, वो समय में आदम के बाद जब उसके बारे में पढ़ेंगे, आदम का सबसे पहला बेटा कौन था? एबल, द राइटेस्ट वन, एंड देन केन. किसने किसको मारा? केन ने. तो राइटेस्ट जनरेशन खत्म हो गया, कौन सा जनरेशन सिर्फ चालू था? यू लुक एट द एंटायर वर्स. अगर आपने पूरा वर्स ध्यान से देखा, हम जेनेसिस 6 में है, जेनेसिस 6, अगर आप पूरा वर्स देखेंगे वो पूरा वर्स कहीं पे भी इट इज एक्चुअली अबाउट द पीपल हु बिलीव्ड इन गॉड, द सन्स ऑफ सेट, एंड द पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड हु आर डॉटर्स ऑफ मैन. द सन्स ऑफ गॉड हु आर बिलीवर्स इन गॉड एंड द अदर्स, बिकॉज व्हेन दे मल्टीप्लाइड, लुक एट द रिजल्ट, लुक एट द वर्स अगेन. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man. Why doesn't say it does not strive with angels? क्योंकि इसमें गलती मेन किसकी थी? मैन का था कि एंजल्स का था? अगर दूसरे इंटरप्रिटेशन लेंगे तो किसने किसको देखा? सन्स ऑफ गॉड सॉ
डॉटर्स ऑफ मेन, तो गलती किसका है? तो पहला किसको मारना चाहिए? लेकिन यहां पे किसको मार रहा है? वो मैन, राइट? नाउ लुक एट दैट. इवन इफ यू होल्ड एंड यू स्टिल से ब्रदर इट इज ओके, आई एम होल्डिंग टू दिस आइडिया बिकॉज आई थिंक दिस वर्स इज राइट. आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम. अगेन मैंने आपको वही बोला, कोई भी आइडिया का इम्प्लीकेशन होता है. आप कभी मत मान के मत चले कि मैं ये आइडिया पकड़ूंगा उसका एंड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे मैंने बोला, अगर आप सोचेंगे कि आप ब्रेन से सोचते हो, गोइंग बैक टू द अर्लियर आइडिया, आप सोचेंगे आप ब्रेन से सोचते हो ना, तो कभी भी यू कैन नॉट पुट अ पर्सन रॉन्ग व्हेन ही कमिट्स अ क्राइम. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी. उसकी गलती नहीं है, उसका शरीर वैसा है. अगर आप सोचोगे कि मैं ब्रेन से सोचता हूँ, और हम लोग सब ब्रेन से सोचते हैं, मैंने हमेशा ये कहा है, इफ यू यूज अ ब्रेन टू थिंक देन वी कैन नॉट बी क्रिश्चियंस. बिकॉज बाइबल में कहते हैं यू एंड आई हैव व्हाट ऑफ क्राइस्ट, द माइंड ऑफ क्राइस्ट. हम कहीं भी नहीं पढ़ते वी हैव द ब्रेन ऑफ क्राइस्ट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. डज गॉड हैव अ ब्रेन? परमेश्वर को दिमाग है कि नहीं? परमेश्वर को दिमाग है कि नहीं? सब लोग सोच रहे हाँ बोलू या ना बोलू. परमेश्वर को दिमाग है कि नहीं? He is a spirit. He doesn't have a body. तो अच्छे से बोल सकते परमेश्वर को दिमाग है ही नहीं. परमेश्वर पूरी तरह से क्या है? Wisdom. He is wisdom. Jesus Christ himself is supposed to be what? The विजडम ऑफ गॉड. परमेश्वर को दिमाग नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर सोच नहीं सकता. इसके लिए समझो, हम और आप किसकी तरह बने हैं? परमेश्वर की तरह. इसके लिए दिमाग नहीं चाहिए सोचने के लिए. क्या चाहिए? मन चाहिए सोचने के लिए. When your mind is corrupted, because all our brains, everything is affected by sin, including our minds. But we think, ब्रदर इधर से जाना अच्छा होगा ब्रदर. उनको लगा उधर से खाली है. वी थिंक विथ आर माइंड्स, नॉट विथ द ब्रेन. ऑलवेज रिमेंबर, हम इसके बारे में वापस डिस्कशन कर सकते हैं. आई बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस. हमने पहले भी इसको किया है, लेकिन ये चीज को याद करिए कि आइडिया का इम्प्लीकेशन होता है, उसके बिना होगा नहीं. तो बाइबल में कहीं पर भी जाकर अगर आप अटके और आपको लगता है ये दूसरे वर्स से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कॉन्ट्रडिक्शन आपके थॉट में है, आपके स्टडी में. आपको वो रिजॉल्व करना है, उसके बिना आगे नहीं जा सकते. एक सेकेंड भी ये मत सोचेगा कि बाइबल पुराने करार में अलग सिखाता था और नए करार में अलग. बाइबल कभी भी दोनों करार में अलग नहीं सिखाता. जैसे हमने ये स्टडी किया, अक्सर लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं थे उनके लिए क्विकली विल डू दिस अगेन. हमने कहा था पुराने करार में कहते हैं आई फॉर एन आई. आंख लोगे तो किसी ने आंख लिया तो उसका आंख लेना. आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ. नए करार में क्या था? किसी ने अगर आपको एक गाल पे मारा तो, मैं हमेशा बोलता हूँ दूसरे गाल पे मारने के बाद क्या करना है बताया नहीं गया है. तो आप मार सकते हो, भाग सकते हो, वो रिएक्शन है. इज इट अ कॉन्ट्रडिक्शन? पुराने करार में गया कि मारा तो वापस मारो. नए करार में क्या कहा है? इज इट अ कॉन्ट्रडिक्शन? यस और नो? लुक्स लाइक वन. यस. इज इट वन? नो. बिकॉज पुराने करार में रूल किसके लिए दिया था? ये गवर्नमेंट को, कि अगर किसी ने मारा तो तुम्हें भी, एज अ रूल ऑफ द गवर्नमेंट, यू ऑल्सो हैव टू किल. इफ समवन किल्स यू विल ऑल्सो किल. लेकिन पुराने करार का वर्स है रिवेंज, आई विल अवेंज, वेंजेंस इज माइन, रिवेंज बिलोंग्स टू द लॉर्ड. वेंजेंस, ये पुराने करार का है. नए करार में वही वर्स को वापस यूज किया है. यीशु मसीह ने हमें वापस दिखाया कि पर्सनल लेवल पे मुझे रिवेंज लेने का हक नहीं है. पर्सनल लेवल पे आई हैव टू लव माय नेबर, आई इवन हैव टू लव माय एनिमी. देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन. ये बोलने की जरूरत क्यों है पता है हम ये सिस्टम के स्टार्ट में? क्योंकि अक्सर लोग कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जीते हैं और उनको लगता है जितना सिस्टम कॉन्ट्रडिक्टरी होगा ना उतना बिब्लिकल है. जितना आपको दो अलग अलग ऑपोजिट चीज़ें सोचोगे ना तभी उतना अच्छा है. आई गिव यू अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस जो लोग उसमें गर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोग आपको बोलेंगे बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन भरा हुआ है ब्रदर, हम उसको सॉल्व करने नहीं जाते. जैसे परमेश्वर एक भी है और तीन भी है, इज दैट अ कॉन्ट्रडिक्शन? नो. गॉड इज ट्रिनिटी. इज वन इक्वल टू थ्री? इज वन इक्वल टू थ्री?
इज वन इक्वल टू थ्री राइट, इज वन इक्वल टू थ्री राइट, इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, इट इज स्टूपिड. वन कैन नेवर बी इक्वल टू थ्री. सो होली ट्रिनिटी का आइडिया वन इज इक्वल टू थ्री इज नॉट राइट. जैसा गॉड वन है वो सेम तरीके से वो थ्री नहीं है. यू अंडरस्टैंड दैट ही इज वन गॉड इन थ्री पर्संस. इट इज नॉट न्यूमेरिकल यूनिटी. वन इज इक्वल टू थ्री कभी हम बोलते नहीं है. उसी तरह से लोग अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन में जीते हैं. अब आई विल गिव अ सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन जो हमारे टॉपिक के आज बहुत नज़दीक में है. फॉर एग्जाम्पल, आपको तारण मिलता है, यू गेट सैल्वेशन, और अगर आपने आपका काम नहीं किया, अगर आपने अपने काम में आगे नहीं बढ़े तो आपका तारण चला जाएगा. यू अंडरस्टैंड दैट पीपल लिव विद दिस कॉन्ट्रडिक्शन कि मुझे तारण मिलने के बाद आफ्टर आई गेट सैल्वेशन इफ आई डोंट डू इनफ वर्क व्हाट विल हैपन, आई विल लूज माई सैल्वेशन एंड दे आर हैप्पी अबाउट दिस कॉन्ट्रडिक्शन. और हमें आज दिखाना है ये कॉन्ट्रडिक्शन इसके लिए आ रहा है ना कि बिब्लिकल सिस्टम इज अनबिब्लिकल. जो उन लोग होल्ड कर रहे हैं देयर एंटायर सिस्टम जो लोग पकड़ के बैठे हैं वो सिस्टम ही गलत है. उनके सिस्टम से चलेंगे तो आपका तारण जाना ही है, क्योंकि तारण आपसे नहीं परमेश्वर से, थैंक यू, आपसे नहीं परमेश्वर से शुरू होता है. सॉरी, उनके लिए तारण किससे शुरू होता है? उनसे शुरू होता है, परमेश्वर से नहीं. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हम समझते हैं कि तारण किससे शुरू होता है? परमेश्वर से. द सैल्वेशन कम्स फ्रॉम गॉड. बिकॉज इट कम्स फ्रॉम गॉड इट कैन नॉट बी लॉस्ट. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक. वी आर स्टडिंग कवनेंट्स, परमेश्वर का वाचा. और अब इस टॉपिक को चार भाग में डिवाइड करेंगे. मैं जानता हूं मैं आज पूरा चार भाग नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ दो भाग आज करूंगा. संडे को हम तीसरा भाग करेंगे एंड गॉड विलिंग अगले संडे हम एक और भाग करेंगे. ये चार भाग जो हम कर रहे हैं, यकीन मानिए ये चार भाग हम बहुत कंसाइज तरीके में कर रहे हैं. तो बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन इसके कारण ये होगा कि अगर आपको लगता है कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, प्लीज़ क्वेश्चन आंसर टाइम में उस सवाल पूछिएगा. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जब मैं आधे में छोड़ दूंगा, वो इसके लिए है कि उसका आंसर नहीं है, इसके लिए कि हमारे पास समय कम है. लेकिन अगर आपको डाउट है प्लीज़ वो सवाल पूछिएगा. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. हम ऑल द कवनेंट्स ऑफ द बाइबल हम चार घंटे में ख़त्म करने की सोच रहे हैं. हमने सिर्फ अब्राहम के साथ एक कवनेंट, हमने चर्च में पाँच घंटे के लिए लिया था. तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग कितना इस चीज़ को दबा रहे हैं. तो बहुत सारे सवाल होंगे जो शायद हम सेशन में आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेशन के बाद हम उसे आंसर करने को देखेंगे. आइए फिर से मुड़ते हैं उस आइडिया का जो कवनेंट. अब पॉइंट ये है ना कि बाइबल में बार बार ये वर्ड कवनेंट आता है. बैप्टिस्ट थियोलॉजी में अक्सर इस कवनेंट आइडिया को इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते. इसके लिए मोस्ट बैप्टिस्ट थियोलॉजियन, रीसेंट टाइम्स में थोड़ा चेंज हो रहा है, मोस्ट बैप्टिस्ट थियोलॉजियंस डोंट वर्क ऑन द कवनेंट प्रिंसिपल. रीसेंट टाइम्स में दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द कवनेंट प्रिंसिपल अगेन. उसका रीजंस है, हम लोग पढ़ते पढ़ते हमें पता चलेगा. लेट्स लुक एट द वर्ड कवनेंट. द वर्ड कवनेंट हैज बीन यूज्ड ऑलमोस्ट 280 टाइम्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड 33 टाइम्स इन द न्यू टेस्टमेंट. 280 टाइम्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट, 33 टाइम्स इन द न्यू टेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, राइट, इज अ डिफरेंट वर्ड फॉर द वर्ड कवनेंट. आप समझ रहे हैं? इतनी बार पूरे बाइबल में जो वर्ड इतनी बार यूज कर चुका है, आपको समझना चाहिए वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है. सैडली इतनी बार यूज करने के बाद भी हमारे चर्चेज में उस वचन को या उस वर्ड को कोई पढ़ता नहीं, और हमारा कोशिश है कि हम उस चीज को करें. सेकेंड, पिछले कुछ 10 सालों में कवनेंट थियोलॉजियंस के बीच में, जो अगर आपको वर्ड डिफिकल्ट लगता होगा तो उसको छोड़ दीजिए, जो वाचा सिखाने वाले लोगों के बीच में ही बहुत सारे गलत शिक्षा अंदर आ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो लोग सेम वर्ड्स यूज करके मतलब अलग बोलते हैं. इसलिए सही वर्ड समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ, देन वी विल गो अहेड. जस्टिफिकेशन, साइलेंस, You will not hear it. जस्टिफिकेशन
का मतलब क्या है? हिंदी में जस्टिफिकेशन क्या बोलते हैं ब्रदर? मराठी में जस्टिफिकेशन को धार्मिक करार देना, उसका मतलब क्या? व्हाट इज जस्टिफिकेशन? एंड जस्टिफिकेशन डिपेंड्स ऑन हुम? जस्टिफिकेशन इज द मोमेंट ऑफ सैल्वेशन, देन इट बिकम्स टाइम. व्हाट इज जस्टिफिकेशन? Justification is an act which God declares as grace, righteous. Brother has quoted partly from the Westminster Confession. Justification is an act in which God declares the sinner righteous. I'll complete what he missed. On account of the righteousness done by Christ and nothing done by the person, but only by faith, which is a gift of God. अब ध्यान से सुनिए, ये पूरे चीज में जस्टिफिकेशन काम किसका है? परमेश्वर का. आपको और मेरा काम क्या है इसमें? नथिंग, नथिंग. द मोमेंट यू पुट जस्टिफिकेशन, मैं आपको उल्टा करा दू, उल्टा आ जाए, ये बताओ. जस्टिफिकेशन इज एन एक्ट इन विच गॉड डिक्लेयर्स अ पर्सन राइटियस व्हेन ही रिपेंट्स ऑफ हिज सिंस. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला? सेम मैंने कहा, मैंने क्या चेंज किया, क्या ऐड किया मैंने? एक इंसान अपने पाप से रिपेंट करना चाहिए. इंसान को अपने पाप से रिपेंट करना चाहिए, हाँ या ना? हाँ. लेकिन जस्टिफिकेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. जस्टिफिकेशन किस पर डिपेंडेंट है? क्रूस पर. उसका रक्त आपके ऊपर है, सिर्फ इसके लिए आप जस्टिफाइड हो. उसका रिजल्ट क्या होगा? You will repent of your sins. Anyone who is justified by God will repent. वो अपने पाप को नकारेगा, पाप से मुड़ के आएगा. Right? What is sanctification? शुद्धिकरण. Sanctification, it's a जीवन भर जो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें मैं किसकी तरह बन रहा हूं? यीशु मसीह की तरह बन रहा हूं. ठीक है, इसमें से कौन सा वन टाइम है? जस्टिफिकेशन वन टाइम है या सैंक्टिफिकेशन वन टाइम है? जस्टिफिकेशन वन, मतलब जस्टिफिकेशन में आप क्या हो गए? जस्टिफिकेशन में यू बिकम राइटियस. वेरी गुड, यू बिकम राइटियस लाइक हुम? क्राइस्ट. व्हाई? यू बिकम वेरी गुड ना? ऑन दैट डे यू आर बॉर्न अगेन एंड यू बिकम अ वेरी नाइस पर्सन, राइट? No, you do not even know that. Justification, God declares you righteous and accepts you in Christ for what Christ did on the cross, not for you and me. अब ये समझिए क्यों जरूरी है. Roman Catholic theology में same word use होता है justification, same word use होता है sanctification. लेकिन Roman Catholic theology में आप अपनी जिंदगी भर आप अपने आप को justify करते रहोगे. मतलब जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन उन्होंने आपस में जोड़ दिया है. आप समझ रहे हैं? इसके लिए रोमन कैथोलिक थियोलॉजी में कोई भी आदमी कभी ये नहीं बोल सकता मेरा तारण हो गया है, मैं 100% परमेश्वर के साथ रहूंगा. क्यों नहीं बोल सकता हो? क्योंकि उसका जस्टिफिकेशन कंटिन्यूस हो रहा है. जब भी वो पाप करता है उसको क्या करना पड़ता है? कन्फेस करना पड़ता है. कन्फेस करेगा तो आज वापस ठीक हो गया. इसके लिए एंड दिस इज द आइडिया ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च कि कभी भी कोई भी आदमी को उसके विश्वास के बारे में उसको श्योरिटी मत देना. उसको हमेशा किस पर निर्भर रखना? चर्च पे. उसको चर्च की हर एक चीज, तो हर दो दिन में बोल सकते हैं हाँ आज ये गलती किया ना तो उधर मोमबत्ती जला, आज ये गलती किया ना तो होली वाटर पी, आज ये गलती किया तो दो बार बपतिस्मा लेना. यू अंडरस्टैंड दैट? He never wants you to have assurance of salvation. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आज के तारीख में there are heresies like federal vision, new perspective on Paul. कल ही सुन लीजिए, कल ही उसका वो क्या करते हैं समझना जरूरी है. ये लोग सेम वर्ड को यूज करते हैं और उसका मतलब चेंज करते हैं. दे यूज द सेम वर्ड एंड दे चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो जस्टिफिकेशन वर्ड यूज करेंगे लेकिन उसका मतलब कैसे होगा? सैंक्टिफिकेशन की तरह. इसलिए जब भी हम वर्ड यूज करें
ये जरूरी हम पूछे भैया जस्टिफिकेशन का आपका मतलब क्या है. यू अंडरस्टैंड दैट. प्लीज डू नॉट अज्यूम कि यहां पे जो आदमी बोलता है ना वो यही मामले में बोलता होगा. यू अंडरस्टैंड दिस. मैं हमेशा ये वर्ड कहता हूं एंड आई डोंट माइंड रिपीटिंग दिस. हु सेव्स यू. अब किसके नाम के कारण मुझे और आपको तारण मिला है. इन द नेम ऑफ जीसस. राइट. व्हाट इज द राइट वर्ड. व्हाट इज द राइट वर्ड. जीसस तो सही नाम नहीं है ना. जीसस क्राइस्ट वो भी सही नाम नहीं है. राइट वर्ड कौन सा है. यू आर सेव्ड इन हूज नेम. इन जीसस क्राइस्ट नेम. जीसस तो राइट वर्ड नहीं है ना. हिब्रू बाइबल में ग्रीक बाइबल में जीसस वर्ड किधर है. यीशु है ना. तो आप किसके नाम से बचे हो. अभी चेंज हो गया. नहीं सॉरी करेक्शन. जीसस नहीं है यीशु. आप मेरा बोलने का मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूं. You are not saved because of that word or the name Jesus. You understand that? You are saved because of that person and all that the person did. Jesus naam bolne se duniya mein kisi ko bhi taran nahi milega. Confused? I'll repeat it again and I'll give you a different illustration. Main aapko dusra illustration deta hu. मेरे साथ बने रहिएगा. मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा आसान नहीं आपको समझना. बट आई टेल यू व्हाट इज द पर्पस. आई टेल यू व्हाट इज द पर्पस. वापस बोलता हूं. यू आर नॉट सेव्ड सिंपली बिकॉज ऑफ द नेम जीसस. आई रिपीट माई सेल्फ. इन अमेरिका देर इज अ वेरी फेमस डिजाइनर जीन्स कॉल्ड एज जीसस जीन्स. You can go online and you can check. I'm not joking. It's Jesus jeans. So, unke sale mein actually wo log likhte hain Jesus saves. Matlab char jeans loge to panchwa jeans free. So today Jesus saves. Is that Jesus who's saving you? To naam ne bachaya kya aapko? Kisne bachaya? The entire idea, that person, that work that was done. आप समझ रहे हो. इसके लिए अगर किसी को भी आप रास्ते में बोलेंगे ना आप जीसस के बारे में प्रार्थना करो और आज आपको तारण मिलेगा उसको नहीं मिलेगा. उसको समझाना पड़ेगा जीसस कौन सा. उसने क्या किया. वो क्यों मरा. मतलब अक्सर हमारा गॉस्पल प्रेजेंटेशन कैसा पता है. हम रास्ते पे किसी को भी पकड़ लेते हैं चार लाइन में उसको बता देते. बोलते ब्रदर खाली जीसस के नाम पे प्रार्थना करो. आप जीसस के नाम पे प्रार्थना करोगे तो आपका तारण फिक्स है. प्रॉब्लम क्या पता है. उसे समझा ही नहीं है कि आप कौन से जीसस के बारे में बात कर रहे हो. इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस अ पर्सन और अ कॉन्सेप्ट. वी नीड टू बी श्योर व्हाट वी आर डिस्कसिंग. वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर डिस्कसिंग. और इसके लिए ना द टीचिंग ऑफ द चर्च बिकम सो इंपॉर्टेंट. इसके लिए कभी भी अगर आपको लगता है कि आपका चर्च में आपके पास्टर को आप पूछ नहीं रहे हो तो आप गलत कर रहे हो. आपके लिए भी और आपके पास्टर की तरफ भी. आप पूछो सो दैट ही हैज द बर्डन एंड ही शुड हैव द बर्डन टू मेक इट क्लियर टू यू. ठीक है. ओके लेट्स गो बैक. सो जब भी हम डॉक्ट्रिन्स के बारे में पढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि देयर शुड बी अ कंसिस्टेंट आइडिया इन द होल ऑफ द बाइबल. मैं आपको इनकंसिस्टेंट आइडियाज के बारे में बोलता हूँ. फॉर एग्जाम्पल डिस्पेंसेशनल थियोलॉजी. आपने वर्ड सुना नहीं होगा लेकिन ये थियोलॉजी हम में से हर कोई इसे लेके चलता था. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. इसराइल और चर्च. बराबर. हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हम इसराइल घूम कर आए. वाई ना. डोंट से यू वॉन्ट टू स्विम इन द डेड सी. नो एक्चुअली yes, Jesus, historically Jesus walked in that place. But if you look at it, the whole earth and the whole land belongs to me. If you look at the Old Testament, it says God himself walked in the cool of the evening in the Garden of Eden. So technically speaking, the whole earth belongs to God.
So why do we want to go to Israel? Uncle is laughing. You want to see the burning bush? Hey, wahan pe abhi bhi. Yes, yes. I'll tell you, one of the things when people always ask me, ki agar history mein agar koi waqt mein wapas ja sakte ho, to kaun sa waqt hoga? I'll say, the only time if I would love to go back and see will be the time when Jesus walked on the earth. And see how he used to debate with people, how he used to talk to people, how he used to do miracles. What has it got to do with the land? I'll give an example. Humme se jitne bhi logo ki cousins, होली सिटी या होली टूर पे गए हैं, हम सबके घर में छोटे छोटे पानी के बॉटल है, जॉर्डन नदी का पानी, पता नहीं कैसे हम लेकर आते हैं उसको. वी हैव गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टुपिडिटीज. माय मॉम सेड वी सॉ द ट्री द बर्निंग बुश. तो ऐसे डिड यू रिमूव योर चप्पल? नहीं, चप्पल लेके जाने का अलाउड ही नहीं है. शी डिडंट अंडरस्टैंड द जोक. क्योंकि आप सोचते हो कि अभी भी वो लैंड होली है. इट इज नॉट. डिड जीसस ट्रीट द लैंड एज होली? नो. बट रादर ही सेड ये लैंड के साथ क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा. तुम्हारे मंदिर के साथ क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा. क्योंकि मंदिर कौन है अभी तुम्हारा? मैं हूं. ये नहीं, इस मंदिर को तोड़ो तो क्या होगा? 3 दिन में वापस आएगा. आप समझ रहे हैं? He removed the whole idea that land is holy. लेकिन आप अभी भी ये मान के चलते हो कि इज़राइल का वो ज़मीन बहुत होली है, बाकी अपना ज़मीन चलता है, right? In one form, Christians almost land up in the same kind of idol worship that Islam does. साल में ज़िंदगी में एक बार तो कहाँ जाना है? हज जाना है. और हम पास्टर्स लोग के लिए एक बार तो अमेरिका जाके आना है, वो एक हज हो जाता है उनके लिए. It is a form of idol worship that people follow. कि somewhere down the line वो Israel अलग है और church आज का अलग है. There are two different bodies. पुराना करार अलग था और नया करार अलग था. ये mistake इसके लिए आता है कि your ideas are inconsistent about God. You think the Old Testament God is different than the New Testament God. I'll give you one more example. हमने इस चीज को किया है तो, but फिर भी repeat करना बनता है इस topic के अंदर में. We have always heard the Old Testament God was a God of anger. बराबर? पुराने करार का भगवान कैसे था? क्रोधित भगवान था. कुछ भी हो जाता तो क्या करता था? पनिश कर देता था. लेकिन नए करार का परमेश्वर कैसा है? दयालु है. मतलब बिटवीन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट परमेश्वर कहीं पे तो चेंज हो गया. बराबर? हो सकता है क्या? क्यों नहीं? Because God Himself and Jesus Himself, according to Hebrews, is what? An unchanging God. You read Malachi, it says, Israel, you're not destroyed because I do not change. उसका मतलब क्या था? इज़राइल तो इतना पाप करता है ना, अगर मैं बदला ना तू मर गया. लेकिन क्योंकि मैं नहीं बदलता, तू इतना पाप करने के बाद भी मैं तुझे संभालता हूं, मैं तुझे क्षमा करता हूं. वो क्षमा पुराने करार में ही आपको दिखता है. आप समझ रहे? पीपल होल्ड टू रॉन्ग आइडियाज एंड दे डिवाइड द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट. एंड दैट्स द रीजन इन चर्चेस ओल्ड टेस्टमेंट हैज नो वैल्यू. इट इज सो डिफिकल्ट टू टेल पीपल. इतना मुश्किल लोगों को बोलने का कि पुराना करार जाके पढ़ो. कितना मुश्किल है लोगों को यह बोलने का कि तुम्हारे बाइबल के अंदर ही एक गीत का खजाना भरा पड़ा है. कितने गीत हैं उसमें? 150. 150 गीतों का सॉन्ग बुक तुम्हारे पास है और तुम लोग सॉन्ग बुक ढूंढते फिरते हो. चर्च को परमेश्वर ने दिया है ये गीत गाने के लिए. कमांड है नए करार में कि यही गाओ, है ना? सिंग टू ईच अदर इन साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स. ऑल द थ्री रेफर टू साम्स ओनली. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. हमने पढ़ा है उसको. ऑल द थ्री रेफर टू साम्स ओनली, नॉट टू डिफरेंट सॉन्ग्स. साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स तीनों किसके बारे में है? साम्स के बारे में ही है, राइट? ठीक है, वो अलग टॉपिक है. लेकिन पॉइंट ये है कि वी होल्ड टू इनकंसिस्टेंट आइडियाज एंड देन वी गो फॉरवर्ड. इसके लिए कवनेंट का आइडिया समझना हम सबके लिए जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड,
ये बाइबल स्टडी, ये टॉपिक हमें ज्यादा अच्छे बाइबल के बारे में ज्ञानी बनने के लिए नहीं है. यह गलत नहीं कि हम बाइबल के बारे में ज्ञानी बने, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा चीज है. लेकिन हमें अगर ये टॉपिक समझ में आए ना, वी कैन अंडरस्टैंड द गोल्ड विच इज देयर इन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट. और पुराने करार को समझने के लिए आपको कौन सा चीज हमेशा यूज करना पड़ता है? नया करार. इट्स ऑलवेज द केस यू कैन अंडरस्टैंड द ओल्ड टेस्टमेंट ओनली वेन यू कंपेयर इट विद द न्यू टेस्टमेंट. इसके लिए पुराना करार समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी बन जाता है. वापस आते हैं वाचा के इसमें. वाचा का मतलब क्या है? वाचा वो द कवनेंट. आई विल रीड इट फ्रॉम इन इंग्लिश फर्स्ट. अ कवनेंट इज अ बॉन्ड इन ब्लड सॉवरनली एडमिनिस्टर्ड. मतलब कवनेंट एक बॉन्ड है, एक यूनिटी है, जब परमेश्वर ने ब्लड में उसे काटा है या उसे दिया है. दे ऑलवेज द आइडिया वॉज टू कट अ कवनेंट. एक वाचा काटना, ऐसा वर्ड यूज करते थे, राइट? वाचा का अलग अलग तरीका हो सकता है. लेट्स क्विकली मूव टू लेविटिकस चैप्टर 26, लेवाई का किताब 26वां अध्याय 9वां वचन. लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 9. आई विल टर्न टू यू एंड मेक यू फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई यू एंड विल कंफर्म माय कवेनेंट विद यू. Till verse 12. You shall eat old store long kept, and you shall clear out the old to make way for the new. I will make my dwelling among you, and my soul shall not abhor you. And I will walk among you, and will be your God, and you shall be my people. I'll read that verse again. For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you. You shall eat old store, bring forth the old because of the new. I'll set my tabernacle among you. My soul shall not abhor you. I will walk among you, and will be your God, and you shall be my people. ठीक है? कोई हिंदी में पढ़ेगा इसे या मराठी में? और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपने वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुरानों के निकालोगे, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहूंगा. ओके. कवनेंट फॉर्मूला, वाचा का फॉर्मूला बाइबल में अक्सर ऐसा होता था, आई विल बी योर गॉड एंड यू विल बी माई पीपल. ये कवनेंट फॉर्मूला है. आप समझ रहे हैं कवनेंट फॉर्मूला क्या है? आई विल बी योर गॉड एंड यू विल बी माई पीपल. अब ये वाचा का ये जो कवनेंट फॉर्मूला है ना, ये अलग अलग तरीके से होता था. कभी कभी वो आधा ही होता था. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कैसा होता है, आई विल बी योर गॉड, तो उसका मतलब क्या है? We will be your people. या उल्टा, you will be my people. तो फर्स्ट वर्ड क्या है? I will be your God. या तीसरा, I will walk among you because I will be your God and you will be my people. I will establish my tabernacle among you because I will be your God and you will be my people. जब भी आपको ये फॉर्मूला मिलेगा ना, आपको याद करना है कि परमेश्वर अपना कवनेंट फॉर्मूला आपको बता रहा है. It is a common formula that God is telling you, right? और ये covenant का basic idea हमेशा क्या था पता है? जैसे मैंने कहा, covenant काटना था, right? We go to a particular passage जो हम लोग second session में और भी देखेंगे, लेकिन ये passage मैं जानता हूँ, चाहता हूँ पहले हम इसको पढ़े. Genesis 15 अध्याय, Genesis chapter 15, बड़ा passage है, verses 1-21. I would want everyone to turn to that passage, Genesis chapter 1. ब्रदर राजेश कैन रीड इट फॉर अस. 15. एक मिनट, मैं इस वचन का आपको बैकग्राउंड देता हूं. हम बाद में इसको वापस पढ़ेंगे. इब्राहिम, या शुरुआत में उसका नाम क्या था? अब्राम. अब्राम कहां से उसको बुलाया गया था? ऊर से अब्राम को बुलाया गया था, ठीक है? ऊर से बुलाने के बाद अब्राम को प्रॉमिस किया था, लेकिन अब्राम को अब भी शक था कि जो परमेश्वर ने कहा वो होगा कि नहीं, राइट? The men of faith in the Bible show remarkable lack of faith all the time, right? हम अब्राहम को हमेशा बोलते हैं कि अब्राहम क्या है? विश्वास का
विश्वास का पिता है, और उसको अगर उसकी जिंदगी हम देखें तो हम लोग बोले कि इसको विश्वास का पिता बोलते हैं, हर जगह में ये दिखाते हैं कि इसको विश्वास है ही नहीं। ये ऐसा एक टाइम है जब जायरा बैठो ना, नीचे उठो, क्या प्रॉब्लम है? अब्राहम का एक और डाउट का सेशन, सॉरी हम लोग वाचा कर रहे हैं और वाचा काटने की बात हम कर रहे हैं कि बाइबल में जब भी वाचा होता था तो वाचा को काटा जाता था। मैं उसका मतलब मैं भी बताने वाला हूँ। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 1-21 ब्रदर राजेश कैन यू रीड फॉर अस। गॉड्स कवेनेंट विद अब्राहम। आफ्टर दिस थिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू अब्राहम इन अ विजन, फियर नॉट अब्राहम, आई एम योर शील्ड, योर रिवॉर्ड शैल बी वेरी ग्रेट। बट अब्राहम सेड, ओ लॉर्ड गॉड, व्हाट विल यू गिव मी इफ आई कंटिन्यू चाइल्डलेस and the heir of my house is Eliezer of Damascus. And Abraham said, behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. Okay, आपको हम लोग वापस पढ़ेंगे। आप इधर तक तो आपको याद है, यकीन हो गया कि अब्राहम को ये प्रॉमिस ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया है। इसके लिए अब्राहम इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड टू हैपन, एंड अब्राहम हैज गॉट नो पेशेंस नाउ। परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है कि होगा, लेकिन अब्राहम को वो चीज अभी चाहिए। अब्राहम बोल रहा है उधर से लेके इधर आ गया, लेकिन अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं है, जमीन है, बहुत सारी चीजें, आई एम प्रॉब्ली द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द होल हाउस, इन द होल प्लेस, बट व्हाटएवर आई हैव विल गो टू माय सर्वेंट। राइट, गो ऑन। एंड बिहोल्ड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू हिम, दिस मैन शैल नॉट बी योर हेड, योर वेरी ओन सन शैल बी योर हेड। एंड ही ब्रॉट हिम आउटसाइड एंड सेड, लुक टुवर्ड हेवन एंड नंबर द स्टार्स इफ यू आर एबल टू नंबर देम। देन ही सेड टू हिम, so shall your offspring be. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. And he said to him, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. But he said, O Lord God, how am I to know that I shall possess it? He said to him, bring me a heifer 3 years old and a female goat 3 years old, a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. And he brought him all these, cut them in half, and laid each a half over against the other. But he did not cut the birds in half. And when birds of prey came down on the carcasses, Abraham threw them away. Okay, मैं इसका background देता हूँ। पुराने करार के ज़माने में जब दो राजा के बीच में कोई covenant होता था, कोई agreement होता था, वो agreement ऐसे होता था कि दोनों राजा involved होते थे। Agreement कैसा था कि उनको जानवरों को लाना पड़ता था, उनको जानवर को दो टुकड़ों में काट के रखना पड़ता था। दो टुकड़ों में काट कर वो लोग उसका एक रास्ता बनाते थे, मतलब एक भाग इस तरफ हो गया और एक भाग इस तरफ हो गया। दोनों जगह में वो लोग उसको रखते थे और दोनों राजा उसके बीच में से चलते थे। आगे पढ़ते हैं। As the sun was going down, a deep sleep fell on Abraham, and behold, dreadful and dark darkness fell upon him. And the Lord said to Abraham, know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with the great possessions. As for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good old age. And they shall come back here in the fourth generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. When the sun had gone down, it was dark. Behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. On that day the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your offering I give this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. One of the specialities of Brother Rajesh is the Old Testament names. Okay, now, look at the Old Testament passage. Kya kya usne? मांस को कट किया, दो बाट में डिवाइड किया। ये पैसेज इतना खूबसूरत है कि डॉक्टर आरसी स्प्रोल, अगर आपने उनके बारे में सुना होगा, बोलता है अगर मेरे हाथ से किसी ने पूरा बाइबल छीन लिया और मुझे बोलेगा कि एक पेज तुझे देता हूँ, तो मुझे सिर्फ ये एक पेज चाहिए।
दिस पेज ऑफ जेनेसिस इन विच गॉड मूव्स टू द फैराओ. वापस आते हैं सिचुएशन में, क्या हो गया है, इब्राहिम को डाउट है कि उसका वारिस होगा कि नहीं, तो परमेश्वर ने बोला मैं तुझे एक वारिस दूंगा, जानवरों को लो दो भाग में कट करो. और राजा अक्सर क्या होते थे, उसके बीच में से चलते थे. बीच में से चलने का मतलब क्या था पता है, कि मेरे और तुझ में किसी ने भी अगर ये वाचा तोड़ा तो हमारी हालत भी इसी कटे हुए जानवरों की तरह होगी. ये दिखाने के लिए दोनों राजा उसके बीच में से चलते थे, बराबर. अब इब्राहिम ने क्या किया, उसे काटा, बीच में रखा. इब्राहिम रुका था कि भी परमेश्वर आएगा और दोनों साथ में उस आग में से उसके बीच में से चलेंगे. क्या हुआ, इब्राहिम सो गया. क्यों? परमेश्वर ने उसे सुलाया, परमेश्वर ने उसे सुलाया. और उसके बाद क्या हुआ, आग का जो चीज था उस आग की तरह परमेश्वर स्वयं उस उसके बीच में से गया, ये दिखाने के लिए कि तुझसे जो वाचा किया है अगर टूटे ना तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा. कौन मरेगा, वो मरेगा. तो कौन सा वाचा कभी नहीं टूटेगा, अब्राहम के साथ दिया हुआ वाचा कभी नहीं टूटेगा. उसका मतलब एक भी है, क्योंकि परमेश्वर वो है जिसने कहा है कि मैं बीच में चलूंगा, जो भी मैंने वाचा किया वो टूटेगा नहीं ना. इसके लिए लिख के लीजिए कि इसराइल को इजिप्ट में जाके इतने साल स्लेवरी में रहना गारंटी था, क्योंकि वो किसका प्रॉमिस है, लिखा है ना कि तेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे, वहां दास बनेंगे. कोई भी तरीका नहीं था उनको उसमें से बचने का. जोसेफ कितना भी अच्छा होता, आगे जाकर उनको दासत्व में रहना ही पड़ता, उसका भी परमेश्वर का प्लान था. लेकिन जब परमेश्वर आग की तरह उसके अंदर से गया, परमेश्वर ने दिखाया कि ये रूल, ये जो मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है, ये टूट नहीं सकता, क्योंकि ये प्रॉमिस किसके साथ बंधा हुआ है, परमेश्वर के स्वयं की जिंदगी के साथ. यू अंडरस्टैंड दैट, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, आपको कभी भी ये सोचना कंप्लीटली पाप है. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, फॉर यू टू थिंक दैट यू कैन लूज योर सैल्वेशन इज सिनफुल, बिकॉज आपका सैल्वेशन किसके जिंदगी के साथ जुड़ा है, परमेश्वर की जिंदगी के साथ जुड़ा है. वो बोलते हैं इफ आई कैन लूज योर लाइफ यू कैन लूज योर सैल्वेशन. आप समझ रहे हैं, गॉड कैनॉट लूज हिज लाइफ, ही इज लाइफ. इफ ही कैनॉट लूज हिज लाइफ, मेरा और आपका तारण कभी नहीं जा सकता. एंड दैट वॉज द इनिशियल आइडिया हाउ कवनेंट्स वर डन. कवनेंट फॉर्मूलाज देने के समय में अलग अलग तरीके होते थे, हम उस तरीके को देखेंगे. नॉट ऑल द टाइम कटिंग की जरूरत पड़ती थी, कटिंग आता था बीच में, लेकिन अलग अलग तरीके होते थे. फॉर एग्जाम्पल, अ कवनेंट वॉज गिवन इन वेरियस फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, दे कुड बी अ वर्बल ओथ, मतलब आपने एक चीज का कसम खाया है तो भी वो कवनेंट है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, हमने लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम में से कितने लोग कवनेंट के बारे में सुना है, तो अक्सर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने नहीं सुना है. तो मैंने बोला ये वही है जो आपने और आपके वाइफ को और आपके वाइफ ने आपको प्रॉमिस किया है. यू आर एंटरिंग इन टू अ मैरिज कवनेंट, राइट. सो इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड एंड क्रिश्चियन शुड नो दैट. एवरी टाइम अ कवनेंट इज गिवन, वेरियस वेज वुड हैपन. एक बार वर्बल मुंह से एक ओथ लेना पड़ेगा. लेट्स क्विकली टर्न टू ड्यूटरोनोमी 7:8. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers, that the Lord has brought you out of the mighty hand. Lord loves you and Lord has kept a oath, right? तो वाचा के साथ ओथ होता था, ओथ है करके वाचा अपनी जगह पे खड़ा है. कभी कभी ओथ के साथ, वर्बल कमिटमेंट के साथ कुछ अलग चीजें होती थी. फॉर एग्जाम्पल, वर्बल कमिटमेंट के साथ एक गिफ्ट दिया जाता था. लेट्स टर्न टू जेनेसिस 21. Genesis. Abraham set 7 ewe lambs of the flock apart, and Abimelech said to Abraham, "What is the meaning of these 7 ewe lambs that you have set apart?" And he said,
these 7 ear lambs you will take from my hand, that this may be a witness for me that I have done this well. Therefore, that place was called Beersheba. ठीक है, you give a gift during oath लेने के time आप gift देते हो, तो एक तरीका होता है कि covenant में, तो Bible में कभी भी अगर gift दिया जाता है, वो idea क्या है, वो covenant है, एक वाचा है. So then understand, whenever gifts are given in the Bible, always realize कि there is a covenant attached with that, right? A beautiful thing. Second, eating of a meal, khana khana, is a sign of a covenant. Can you give me quickly a reaction to that? The Lord's Supper, the New Testament. लेकिन ये नए करार में शुरू नहीं हुआ, पुराने करार में ही था. Turn with me, Genesis 26. Chabbis, 26, 28 to 30. Can someone, jisko milega pad sakta. They said, we see plainly that the Lord has been with you. So we said, let there be a sworn pact between us, between you and us, and let us make a covenant with you, that you will do us no harm, just as we have not touched you, and you have done to you nothing but good, and have sent you away in peace. You are now the blessed of the Lord. उसी 31:54. याकूब ने उस पहाड़ पर मेज बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया. बलि चढ़ा और क्या किया? भोजन करने के लिए बुलाया. सो एवरी टाइम यू हैव द लॉर्ड्स, सॉरी, कवनेंट जो बनाया गया है, साथ में भोजन होता था. दैट्स द रीजन इन द बाइबल, साथ भोजन करने के लिए, खास करके चर्च को, लोगों को, विश्वासियों को साथ में भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए इनवाइट करने के लिए इज अ साइन ऑफ द कवनेंट. और अगर आप हिब्री का किताब, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि द होल आइडिया ऑफ इन्वाइटिंग पीपल फॉर फूड टुगेदर, द आइडिया इज नॉट सिंपली फूड, आइडिया इज द कवनेंट रिलेशनशिप. ठीक है, और पूरे बाइबल में वो दिखता है. जो लॉर्ड्स टेबल में लॉर्ड ने हमसे कहा, ये मेरी याद में तुम लोग जब जब मिलोगे तब तब करना. द आइडिया वॉज द कंटिन्यूशन ऑफ द कवनेंट. समथिंग मोर, द सेटिंग अप ऑफ अ मेमोरियल, मतलब वाचा होने के टाइम पे वो लोग मेमोरियल बनाते थे. अगर आपको याद है कोई टाइम, जेकब और नोआ, विल डू दैट. जेरिको कैप्चर करने के बाद याद है जोशुआ ने पत्थर लिए और बनाए. लेट्स लुक एट सम ऑफ द थिंग्स. जोशुआ 24:27, विल पिक अप दैट. जोशुआ 24:27. जोशुआ सेड टू ऑल द पीपल, बिहोल्ड, दिस स्टोन शैल बी अ विटनेस अगेंस्ट अस, फॉर इट हैज हर्ड ऑल द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड दैट ही स्पोक टू अस. ओके, द स्टोन इज अ विटनेस, राइट? Joshua 24:27. But there are other different ways. जैसे हम सब पढ़ेंगे नहीं, स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, ऑफरिंग ऑफ सैक्रीफाइस हमने देखा है ऑलरेडी कि बलि को देते हैं. स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड जैसे कब हुआ था? स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड सबसे पहले पासओवर में, उसके बाद आपने पूरे उनके इसमें बपतिस्मा का अर्थ ही उनका ब्लड से सबके ऊपर स्प्रिंकल करना था. ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट वन, एजिकियल 20:37. आई विल मेक यू पास अंडर द रॉड, यू विल कम, यू कमिट टू फॉलो द रॉड, द लॉ ऑफ स्क्रिप्चर, आई विल मेक यू पास अंडर द रॉड. ये कवनेंट का साइन है, मतलब परमेश्वर जब भी चिन्ह देता है, ये जरूरी क्यों ये सब पढ़ने का बताया, जब भी आप बाइबल में ये इंसिडेंस पढ़ोगे कि बलि दिया गया था, आपको समझना है वो बलि क्यों दिया था, बिकॉज इट वॉज अ कवनेंट साइन. उन्होंने साथ में खाना खाया, इट वॉज अ कवनेंट साइन. दे पास अंडर अ रॉड, इट वॉज अ कवनेंट साइन. ये किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, मनुष्य को याद करने के लिए. So that man remembers he is under the covenant of God.
हमेशा जब भी कवनेंट का कोई साइन था, कोई चिन्ह था, हम बाद में इब्राहिम के टाइम पढ़ेंगे, हमेशा इसके लिए था कि उनको समझे कि वो चिन्ह क्यों था। कवनेंट के साथ एक और चीज़ होता है, वेन एवर ए कवनेंट इज मेड, जब भी एक वाचा बनता है दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, ये जरूरी है। वेन एवर ए कवनेंट इज मेड टू पीपल आर इन अ रिलेशनशिप, दैट रिलेशनशिप कैन नॉट बी ब्रोकन अनलेस देर आर सर्टन स्पेसिफिक रीजंस फॉर इट। आई गिव एन एग्जाम्पल, अ हस्बैंड एंड वाइफ आर अंडर अ कवनेंट, वेन कैन दैट बी ब्रोकन? डिवोर्स और मेनली अंडर डेथ, बराबर। उसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि उनका कवनेंट ब्रेक हो सकता है, राइट? दोनों रिलेशन में है। कवनेंट का अच्छा तरीका समझने का, आई विल नॉट गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द कवनेंट्स, इतना काफ़ी है कि राइट फ्रॉम द अर्ली चर्च लोगों ने कवनेंट का आइडिया दिया है। ऐसा नहीं कि कवनेंट का आइडिया 1600 में आया और बाद में रिफॉर्मर्स ने चालू किया, अर्ली चर्च के टाइम से, अगस्टिन के टाइम से कवनेंट का आइडिया क्लियर था। लोगों ने कवनेंट को अलग अलग तरीके से समझाने को देखा, ये क्लियर था, बिकॉज मैंने कहा पुराने करार में कितनी बार है वर्ड कवनेंट? 280 बार, 280 टाइम्स इफ अ वर्ड इज देयर यू सिंपली कांट इग्नोर इट। सो राइट फ्रॉम द अर्ली चर्च आयरिनस के टाइम से ही कवनेंट कैसा होना चाहिए लोगों ने समझा, लोगों ने अलग अलग तरीके बताए, कुछ लोगों ने अच्छे तरीके बताए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ कवनेंट विच आई लाइक, दिस इज अ ऑथर बाय द नेम ऑफ जॉन बॉल, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, उसकी राइटिंग्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन के बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स एक साथ लाने के लिए। जॉन बॉल ने बोला कवनेंट बिटवीन गॉड एंड मैन इज अ कवनेंट और रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। सिमिलरली रिसेंट टाइम में आई थिंक हर्मन ऑक्सिमा हैज ऑल्सो सेड इट्स अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पीपल डिफाइन इट विद डिफरेंट वेज, लेकिन वो बोलता है शुरुआत में वो क्या है, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब ब्लड बिड सब देने से पहले वो क्या है, इट्स अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। वो ये क्यों बोलते हैं बताए, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वो इसके लिए बोलते हैं कि इवन बिटवीन द ट्रिनिटी देर इज अ फ्रेंडशिप, देर इज अ कवनेंट। आप समझ रहे हैं कि एक बोलता है तो दूसरा उसको सुनता है, यू अंडरस्टैंड दैट? इवन बिटवीन द ट्रिनिटी देर इज अ डिस्कशन गोइंग, व्हेनेवर द लॉर्ड प्रेज वी अंडरस्टैंड कि इट वॉज अकॉर्डिंग टू हिज ओन इटर्नल काउंसिल। मतलब ट्रिनिटी में उन्होंने आपस में क्या किया, डिस्कस किया, दे काउंसल्ड इट व्हेन देयर वाज नो टाइम, राइट? लेकिन गॉड इन हिज काउंसिल ही डिड व्हाट ही वांटेड टू। तो हम उस वाचा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, प्राइमरीली हम मनुष्य के साथ जो वाचा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? एंड लेट्स स्टार्ट विथ द कवनेंट विथ एडम। सबसे पहला कवनेंट इज द कवनेंट विथ एडम। सबसे पहले जब कवनेंट, यूजुअली कवनेंट का दो डिवीजन होता है और मैं दो डिवीजन के बारे में बताना चाहूंगा। पहला डिवीजन इज समटाइम्स एक्सीडेंटली कॉल्ड एज द कवनेंट ऑफ वर्क्स, कार्य या कर्म का वाचा, राइट? ये राइट सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे अच्छा वर्ड ये होगा कवनेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का वाचा, राइट? जिंदगी का वाचा। और दूसरा कवनेंट है कवनेंट ऑफ ग्रेस, करुणा का वाचा। सो विच आर द टू मेजर कवनेंट्स? वर्क्स एंड, ओके, नाउ वेरी क्विकली, आदम के बाद, मैं पहले ही बोलता हूं, बाद में आई विल प्रूव इट टू यू, आदम के बाद जितना भी वाचा है वो सारा वाचा कवनेंट ऑफ ग्रेस है। आप समझ रहे हैं, आदम के बाद जितना भी वाचा है सारा वाचा कवनेंट ऑफ ग्रेस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज अगर आप यहां मिस्टेक करोगे ना, आप सब जगह पे मिस्टेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉट वॉज द कवनेंट दैट गॉड साइंड और विथ इब्राहिम? फेथ और वर्क्स? फेथ, ठीक है। इब्राहिम का इजी है क्योंकि नए करार में हमने इब्राहिम के बारे में पढ़ा है। वॉट वॉज द कवनेंट गॉड साइंड विथ मोसेस? मुझे इसको क्या बोला गया था, मुझे लोगों को क्या कहा, यू हैव टू ओबे, तुम लोग ओबे करोगे तो ये होगा, ओबे नहीं करोगे तो कर्स जाएंगे, बराबर। तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मैं अब्राहम के साथ जो वाचा था ना वो वाचा कवनेंट ऑफ वर्क्स था।
आप समझ रहे हैं, मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मैंने पहले कहा जितना आदम के बाद जितना भी वाचा क्या था, ग्रेस का था. अब्राहम के साथ वाचा आप बता सकते हैं वर्क्स का वाचा था या ग्रेस का वाचा था? क्यों मालूम पड़ता है ग्रेस का वाचा था? उसने पाप किया फिर भी परमेश्वर ने उसे माफ किया? नहीं, दैट्स ग्रांटेड. व्हाट एल्स? हमने अब्राहम का वाचा, हम लोग वर्क का वाचा क्यों बोलते हैं? कि अब्राहम ने क्या दिया? लॉ दिया ना, ये करो ये करो तो तुम लोग बचोगे, ये नहीं करोगे तो. मोसेस ने दिया, सॉरी मोसेस ने तो बोला ये, मैंने क्या कहा, अब्राहम. मोसेस ने जब भी लॉ दिया तो मोसेस ने क्या बोला, ये करोगे तो तुम लोग बच जाओगे, ये नहीं करोगे तो तुम लोग मरोगे. बराबर? तो ये पढ़ने का लोग कहते हैं अब्राहम का वाचा, सॉरी मोसेस का वाचा वॉज अ कवेनेंट ऑफ वर्क्स. बट हम लोग ने किया है, हम लोग वापस ध्यान देंगे उसके बारे में. When the Ten Commandments were given, right? And this is why I love the creeds. Uska starting summary line kya tha? I am the Lord, the God who brought you out of Egypt. Main wo parmeshwar hu jisne tujhe Egypt se bachaya hai. Maine already tujhe करुणा में, एंड सिंस आई हैव सेव्ड यू, यू विल डू ऑल ऑफ दिस. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? डिफरेंस ऐसा नहीं था कि अभी तू ये सब कर फिर मैं तुझे बचाऊंगा. यू अंडरस्टैंड दैट? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. हमने अब्राहम के बारे में कहा, अब्राहम का उसके वाचा में कितना रोल था सिवाय सोने का? और कुछ नहीं. अगर अब्राहम पे होता तो शुरुआत से एंड तक वो वाचा परमेश्वर कभी भी एग्री करता ही नहीं, बिकॉज हर मोड पे अब्राहम को वो चीज पे विश्वास था ही नहीं. इफ इट वॉज लेफ्ट ऑन अब्राहम, दैट कवनेंट वुड हैव नेवर बीन, इट वॉज नेवर लेफ्ट ऑन मैन, इट वॉज ऑलवेज लेफ्ट ऑन गॉड. राइट? सो द फर्स्ट आइडिया इज द कवनेंट विथ मैन, एंड वी डू द कवनेंट विथ विथ Adam first. Quickly, let's turn to Genesis chapter 1. Sorry, Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. I'll just take 10 minutes and then we'll stop. I think we've been a long session. Just let me know jab aap ye ho jaye tab hum log usko. Genesis chapter 1, we turn to verse number 25. Genesis chapter 1, verse 25. I'll read from there. And God bade the beast of the earth after his kind, the cattle after every kind, everything that creepeth after the earth after his kind, and God saw it was good. And God said, let us make man in our image, after our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the earth, over the cattle, over all the earth, over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. God blessed them. God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth, subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every living thing that moveth upon the earth. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is on the face of the earth, and every tree in that which is fruit yielding seed to you, and it shall be for meal. To every beast of the earth, to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And God saw everything he had made, and behold, it was very good. And that evening and morning were the sixth day. Parmeshwar ne kise banaya? Adam ko banaya. Aur Adam ko kahan pe rakha? उस गार्डन ऑफ ईडन में उसको रखा. क्या करने के लिए? पहला काम करने के लिए. बराबर? मतलब वर्क याद रखना है, इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द फॉल. हमें काम करना, हम पाप करते हैं इसके लिए हमें दुनिया में काम करना पड़ता, ऐसा नहीं है. ठीक है? हमें बनाया गया था परमेश्वर ने काम करने के लिए, निकम्मे बन के रहने के लिए नहीं. ठीक है? आर वर्क बिकेम डिफिकल्ट आफ्टर द फॉल. पहला काम अच्छा था,
पाप करने के बाद काम हमारा तकलीफ दायक हो गया. ठीक है, सेम गोज फॉर मैरिज ऑल्सो. मैरिज वुड हैव बीन गुड एंड वेरी गुड इन द आईज ऑफ गॉड, इट इज स्टिल गुड इन द आईज ऑफ गॉड, बट द डिफिकल्टीज ऑफ मैरिज केम बिकॉज ऑफ द फॉल. सो मच सो दैट पॉल कुड से इफ यू मैरी यू विल हैव ट्रबल्स इन दिस लाइफ, राइट. बट मैरिज इटसेल्फ इज गुड. ओके, अब बहुत सारे थियोलॉजी बोले कि क्योंकि उस पोर्शन में एडम के साथ कहीं पे भी वाचा का वर्स नहीं है जेनेसिस में, इसके लिए वी डोंट बिलीव देयर वाज अ कोवेनेंट साइंड विद एडम, राइट. बट लेट्स लुक एट सर्टेन वर्सेस. होशाया, होशाया 6, सबको मिला, वर्सेस 7. हिंदी में कैसा है? 6:7. आदम के समान, दैट्स अ गुड ट्रांसलेशन. मैन इज अ नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रांसलेशन बिकॉज हिब्रू में वो वर्ड वहां पे आदम है. आदम के समान उन्होंने वाचा को तोड़ा, मतलब इसराइल का कंपेयर करता है. इसराइल किसकी तरह वाचा को तोड़ा? एडम के समान. आप समझ, मतलब परमेश्वर और किसके बीच में वाचा था? एडम और परमेश्वर. एक और वचन, 2 Corinthians 5. It's a very common verse that we know. 18 and 19. All this is from God who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them and entrusting to us the message. Okay, किसके बीच में reconcile हो रहा है? God and man. और हिंदी में कोई पढ़ेगा उस वचन को? हमारे साथ मेल मिलाप, द राइट वर्ड इज रिकनसाइल. रिकनसाइल का मतलब वापस दो चीज को मिला गया. मतलब पहले क्या था? पहले अलग थे, उसके बाद दोनों को, मतलब अलग होने से पहले क्या थे? यू रिकनसाइल फ्रेंड्स हु हैव बिकम एनिमीज. तो पहले वो लोग क्या थे? फ्रेंड्स थे. बाद में वो लोग क्या बने? एनिमीज बने. There are other passages of scripture that show that when God did creation, he made a covenant. Jeremiah 33. Jeremiah 33:20-25-26. मैं दिन और रात का ऐसा वाचा बांधा है. ये वाचा कब बांधा था? When did he make के day will follow night? In the beginning. Seasons, right? Day and night, तभी उसने वाचा बांधी थी. तो आदम के टाइम में मालूम पता पड़ता है कि परमेश्वर ने वाचा बांधा था. बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज दे हैव इंटेंशन ऑफ डिवाइडिंग बिटवीन आदम के साथ जो परमेश्वर ने रूल दिया और यीशु के टाइम जो चीज़ आया, करुणा आई, तो
तो लोग ये बताते हैं कि शायद आदम के साथ ना ग्रेस नहीं था, आदम के साथ सिर्फ परमेश्वर ने एक कार्य करने को कहा गया था। अब आदम के साथ हम लोग लॉर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर जो भी करता है इंसान के लिए उसमें क्या है, उसका उसका ग्रेस है। वो जो भी करता है एडम के लिए, इन इट इज ऑल इन ग्रेस, बिकॉज वो कोई चीज में, एडम वॉज नॉट द वन हू टोल्ड गॉड मेक मी। आप समझे, आदम ने परमेश्वर को आइडिया नहीं दिया कि मुझे बनाओ। इसके लिए उल्टा भी सही है, एडम बोल नहीं सकता मुझे क्यों मार रहे हो। आप समझ रहे हो, इसके लिए द क्वेश्चन दैट जॉब वॉज आस्ड, वेर वर यू वेन आई लेड द फाउंडेशन। तू कहा था जब मैंने ये किया, मैंने तुझसे पूछ के किया क्या? तो मैं जब खत्म करूंगा तो मैं क्यों वापस तुझसे पूछूंगा? यू अंडरस्टैंड दैट द राइट पर्सपेक्टिव ऑलवेज कीप्स गॉड ऑन द टॉप हु डिड नॉट आस्क एडम व्हेन ही वाज बिल्ट। सो नेवर गेट कंफ्यूज के परमेश्वर, आपने बहुत बार सुना होगा, गॉड इज टू मच ऑफ अ जेंटलमैन, ही विल ऑलवेज आस्क यू बिफोर डूइंग समथिंग। नो नो नो, गॉड इज नॉट अ जेंटलमैन, He is not a man. He does not think like a man. He is God whom we have to be scared of. वो बोलता है कि मैं पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ, in the all of creation, I will do what is my desire, not your desire. Right? So right from the beginning, when God dealt with Adam, it was a covenant of creation. Just a small thing and then we'll stop for a break. Go. Adam and God had a relationship of friendship. How do we know that? Look at what a good friend Adam and God were. For example, आपने पढ़ा होगा, Adam, initially, what used to happen between God and Adam? They used to walk when? In the cool of the day, Adam and God walked together. Now, please don't get wrong ideas here. God does not have legs. Right? So please don't think that God came down, had a physical body. Because when did God take a physical body? In Christ. He did not take one before that. See, that's the reason when you think that angels got physical bodies, the reason it is stupid, because it hurts, it hits at the incarnation. The only time a spirit took a physical body is Jesus Christ. That's the reason the virgin birth is unique. Otherwise, all those women at that time would be called as virgins. You understand this? Please remember, ideas have consequences. If you get the wrong idea, you'll end up into a wrong conclusion. Right? But let's not go there. Let's come back. So look at how wonderful Adam and God was. God gave Adam everything which was good to Adam. For example, first he gave Adam what? Oh, no, that will be debatable, it was good or no. First, life. ठीक है? उसके बाद वर्क, अ गुड फ्रेंड ऑलवेज केयर्स फॉर अ फ्रेंड हू डज नॉट हैव अ जॉब, राइट? लाइक अ गुड फ्रेंड, गॉड गेव एडम वर्क, ही इज माय ओन, ही नीड्स टू हैव सम वर्क। नॉट ओनली डिड आई गिव हिम वर्क, गॉड गेव हिम रेस्ट, कौन सा दिन? सबत। He was a good friend, realized that my friend is working, but this friend needs rest. Then he realized he's a good friend, he needs a helper, he gave him a wife. You understand that? In the entire relationship between God and Adam, you will see a bond of friendship between them. Right? Just to get very quickly, I'm sorry I'm rushing here. Let's look at the things that God gave Adam. Firstly, God made Adam and made Adam God's own person, his friend, number one, right? So Adam and Eve became whose people? God's people. Ye pehla rule yaad rakhiye, covenant ka pehla rule. Aur ye hum thread pakdenge pura cheez samajhne ke liye. To Adam and Eve became whose people? God's people, pehla. Dusra, kahan pe rakha unko? Garden. Ek jagah diya unko, right? To now, second, God's people, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की दी हुई जगह पे, याद रखिएगा, परमेश्वर के दी हुई जगह पे लोगों ने चूज नहीं किया। आप समझ रहे हो? द
to God's people in God's own land, right? That is paradise. Third, did God walk with them? Yes or no? In the presence of God. God's people, God's land and God's presence. इसके बीच में एक और चीज है, इसी के अंदर अगर आपको थोड़ा डिवाइड करना है तो गॉड्स पीपल, गॉड्स लैंड, उसके बीच में एक छोटा इंसर्ट करूंगा, प्रोजेक्टर तो समझना थोड़ा इजी होता था, उसके बीच में एक इंसर्ट किया परमेश्वर ने, प्रॉमिस एंड कर्स. प्रॉमिस फॉलो करोगे तो लैंड मिलेगा, प्रॉमिस नहीं फॉलो करोगे तो लैंड से बाहर निकाला जाएगा. और लैंड से बाहर निकलोगे तो किससे बाहर निकल जाओगे? गॉड्स प्रेजेंस. ये चीज याद रखना. कवनेंट का अंडरलाइंग आइडिया, टू मेक इट सिंपल फॉर यू, टू नेवर फॉलो द कंफ्यूजन के मुझे आज इजिप्ट या जेरूसलम जाना है कि नहीं, ये प्रिंसिपल याद रखना. गॉड्स पीपल, गॉड्स लैंड एंड गॉड्स प्रेजेंस. जीसस इज कॉल्ड एज वॉट? इमैनुअल. Meaning, God with us, presence. Okay, we are going ahead of the wheel here. लेकिन सब नजर है. तो जब भी आप covenant का idea करोगे ना, Adam से लेके last वाचा तक rule यही होगा. God's people, God's promise and God's curse, meaning God's land and God's presence. आप समझ रहे हो? Adam को परमेश्वर ने क्या किया? कहाँ पे रखा? गार्डन में रखा. बोले ये करोगे तो तुझे लाइफ मिलेगा. नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, देन वी विल स्टॉप. एडम वाज नॉट प्रॉमिस्ड इटर्नल लाइफ, एडम वाज प्रॉमिस्ड लाइफ. आप समझ रहे हो? एडम अगर पाप नहीं करता तो क्या होता? दैट क्वेश्चन मेक्स नो सेंस. दैट क्वेश्चन मेक्स नो सेंस बिकॉज दैट हैपेंड. एडम अगर पाप नहीं करता तो क्या होता? मेरे लिए मेरा तारण करता कौन बनता? एडम. मेरा तारण करता आज कौन है? जीसस क्राइस्ट, द सेकेंड एडम. इफ द फर्स्ट एडम डिड नॉट सिन, आई वुड हैव नॉट एवर सीन द सेकेंड एडम. इसके लिए कोई कोई प्यूरिटन्स कहते हैं, I'll answer that. कोई कोई प्यूरिटन्स कहते हैं, the fall was a blessed fall. Because Adam fell, today I can see my Savior. You understand that? I understand it comes with a lot of issues about God's will and man's will. But please understand, अगर आदम ने पाप नहीं किया होता ना, पूरा दुनिया शुरुआत से लेके अंत तक किसके लिए बनाया परमेश्वर ने? यीशु मसीह के लिए. All things were created by him and for him, and all things one day will be subject to him. एक बार भी मत सोचेगा कि सबसे पहली बार जब क्रिएशन किया वो एडम के लिए था. You understand that? It was meant for Adam to begin with, but the end was supposed to be for whom? Christ. I'll just stop with a logical order. अब मैं हमेशा चाहता हूं आप logical order समझें. हम हमेशा क्या करते हैं ना, पहला जिसका बनाया था हम पहला बोलेंगे एडम था करके एडम के लिए बनाया था. ये गलत क्यों है? हमेशा याद रखिए, लॉजिक में ये रूल है, द लास्ट एक्शन इज माय फर्स्ट थॉट. द लास्ट एक्शन और द लास्ट इवेंट इज माय फर्स्ट थॉट. नहीं समझा? आई गिव एन एग्जांपल. हम सबका मॉर्निंग में निकलने के समय इंटेंशन क्या था? यह आने का. बराबर. मैंने गाड़ी लिया, ब्रदर ने रिक्शा लिया, अलग अलग चीजें सब लोग ने किया. मतलब पहला एक्शन क्या था? रिक्शा लेने का. वॉज द पर्पज टेकिंग अ रिक्शा? पर्पज क्या था? टू कम हियर. द होल वर्ल्ड इज टू बी गिवन टू हिम. सो द फर्स्ट थॉट विल बी व्हाट? क्राइस्ट. उसके लिए किसको पहला रिक्शा में चढ़ा? एडम को. ऐसा समझ के चलिए. बट शुरुआत का थॉट कौन नहीं था? एडम नहीं था. डोंट गिव योर सेल्फ मोर इंपॉर्टेंस देन वॉट इज रिक्वायर्ड. द आइडिया इज ऑलवेज हुम? गॉड, जीसस, नो वन एल्स.
The whole problem with the world is we think we are the ones. No, no, no. It was meant for Jesus. That was the last thought. But the first action was different. Does that make sense? All of y'all? Okay, brother, I can take your question now. Okay, let's look to God in prayer. We'll have tea and then if you want to discuss. Aayi prarthna karte hain. Pita Parmeshwar, tere vacha ke liye dhanyavaad. Jo tune Adam ke saath kiya aur hame yakin dilaya. Ke jo bhi dusre Adam mein hai, use tu nahi hatayega. Ye humne banaya vacha nahi hai, Prabhu. Ye tune banaya vacha hai. Aur usi vacha ke dam par hum aaj khade hain. Dhanyavaad dete hain tere vachan ke liye, tere vacha ke liye. Aur tere bete ke liye, jisne har vacha जो तूने किया है उसे पूरा करेगा, उसी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।